चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, यूपी स्टेट कोटा काउंसलिंग का रिजल्ट आ चुका है। फर्स्ट राउंड में कौन सी कॉलेज की क्या कट ऑफ रही है, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी चर्चा करेंगे कि एडमिशन प्रक्रिया आगे आपको किस प्रकार से पूरी करनी है। तो सबसे पहले हम कट ऑफ देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट कोटा की कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी की 601, जनरल पीएच की 131, EWS की 599, EWS PH की 187, OBC की 597, OBC PH की 190, SC की 454 और ST की 241 कट ऑफ रही है। तो ये तो है गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ। अब बात करें हम प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ। तो प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ इस बार शारदा यूनिवर्सिटी की कट ऑफ है वो हाई गई है राम मूर्ति की बजाय। हालांकि श्री राम मूर्ति अच्छा कॉलेज है यूपी का, फिर भी स्टूडेंट्स ने लोकेशन के हिसाब से, फीस के हिसाब से शारदा यूनिवर्सिटी को पहले चुना है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर जीएस हापुर की जो कट ऑफ रही है 313 रही है, वाराणसी हेरिटेज की 397 रही है, हिंद बाराबांकी की 474, हिंद सीतापुर की 398 रही है, केडी मथुरा की कट ऑफ रही है 378, कृष्ण मथुरा की जो कट ऑफ है वो रही है 281, मायो बाराबांकी की 373 रही है, और इसमें मुजफ्फरपुर की जो कट ऑफ रही है, सॉरी मुजफ्फरनगर की कट ऑफ 428 रही है, नेशनल कैपिटल मेरठ की 286 रही है, नोएडा गौतम बुद्ध नगर की 350 रही है, प्रसाद लखनऊ की 316 रही है, राजश्री बरेली की 337, रामा कानपुर की 382 और रामा हापुर की 355 कट ऑफ रही है। इसमें रॉयलखंड की 428, सरस्वती हापुर की 416, सरस्वती उनाओ की 284 कट ऑफ रही है। यहाँ पर श्री राम मूर्ति बरेली की 488, इसके बाद में जो शारदा यूनिवर्सिटी है ग्रेटर नोएडा 502, सुभारती की 454, TS मिश्रा लखनऊ की 334, यूनाइटेड की 317, श्री वेंकटेश्वरा की 265 और वर्णार्जन की 263 और नारायणा की 266 कट ऑफ रही है नॉर्मल उसमें नॉन माइनॉरिटी कॉलेज में। अब माइनॉरिटी कॉलेज की बात करें तो इसमें करियर की जो नॉर्मल कट ऑफ है 251 रही है और माइनॉरिटी की 153 रही है। ईरा की नॉर्मल की 319 रही है और माइनॉरिटी की 245 रही है। FH की हम बात करें तो इसमें नॉर्मल की 234 रही है और माइनॉरिटी की 111 रही है। इंटीग्रल की बात करें तो 250 रही है नॉर्मल की और माइनॉरिटी की 190 रही है। इसमें जो जैन माइनॉरिटी का कॉलेज है उसकी जो कट ऑफ रही है 314 रही है और 152 माइनॉरिटी जैन माइनॉरिटी कैटेगरी की कट ऑफ रही है। तो ये प्राइवेट कॉलेजेस की कट ऑफ है इसमें। अब आपको एडमिशन फॉर्मेलिटीज कैसे पूरी करनी है, तो जो नोडल सेंटर आपके अलॉटमेंट लेटर में अंकित है उस नोडल सेंटर पर जाकर के आपको DD डिपॉजिट करनी है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट करने हैं। DD जो ट्यूशन फीस है एक साल की, उसकी DD आपको डिपॉजिट करनी है। गवर्नमेंट की कंडीशन में जिन कैंडिडेट को गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुई है वो अपने गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर के सारी एडमिशन फॉर्मेलिटीज वहां पर पूरी करेंगे, और प्राइवेट की कंडीशन में जो आपके अलॉटमेंट लेटर पर जो दिखाई गई है, नोडल सेंटर दिखाया गया है, उस नोडल सेंटर पर जाकर के आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट करने हैं और 1 ईयर की फीस आपको वहां पर डिपॉजिट करनी है। उसके बाद में वहां आपको अभी कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करना है प्राइवेट की कंडीशन में, और न ही आपको जो एक्स्ट्रा चार्ज है 1,50,000 रुपीज और 85,000 रुपीज वो अभी पे नहीं करना है। वो सेकंड राउंड के बाद में आपको कॉलेज में रिपोर्ट करनी होगी, उसके बाद में डायरेक्ट आपको कॉलेज में डिपॉजिट करना है वो अमाउंट। अभी आपको सिर्फ ट्यूशन फीस का ड्राफ्ट वहां डिपॉजिट करना है नोडल सेंटर पर, और ड्राफ्ट उसी नाम से बनेगा जिस नाम से आपने सिक्योरिटी फीस 2 लाख रुपए का DD बनवाया था, उसी नाम से सेम ये DD
बनेगा आपकी ट्यूशन फीस का। तो इस प्रकार से आप एडमिशन ले सकते हैं। सेकेंड राउंड में यूपी में फिर से दोबारा रजिस्ट्रेशन होते हैं। जिन कैंडिडेट ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, यूपी में एडमिशन लेना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन से वंचित रह गए थे, वो फिर से सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करके अपने च्वाइसें फिल कर सकते हैं। जो कैंडिडेट अपग्रेड करना चाहते हैं उनको भी दोबारा से च्वाइसें फिल करनी है सेकेंड राउंड में, और अपने अपग्रेड कॉलेज के लिए वहाँ च्वाइस फिल करनी है। तो ये इस प्रकार से एक एडमिशन प्रक्रिया रहेगी यूपी स्टेट के लिए। बाकी अपडेट मिलते ही हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो मिलेंगे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।